हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 4 के अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये एमसीक्यू का वीडियो बनाया है फॉर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एमसीक्यू के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी देने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में सेमेस्टर 4 के ये कुछ तीन यूनिट है, पहला मोमेंट, दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस एंड नेक्स्ट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बाय एट्रीब्यूट्स, ये तीनों ही चैप्टर कवर किए हैं। अब सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू हम चैप्टर वाइज जाएंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो मोमेंट्स चैप्टर से शुरू हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? If n observations of a random variable x are given, its rth central moment is defined as. यहाँ पे फ्रेंड्स सेंट्रल मोमेंट की आपको फॉर्मूला पूछी है जस्ट। ओके, तो सेंट्रल मोमेंट को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, सो म्यू आर की आपको करेक्ट फार्मूला इसमें से बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यू आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार रेज टू आर अपॉन एन। बाकी सारे फार्मूलाज में, जैसे ये वाली फार्मूला में पूरा सेम है, बस माइनस की जगह प्लस लिख दिया है। यहाँ पे रेस टू में आर की जगह पे एन दे दिया है, यहाँ पे डिवाइड में एन की जगह पे आर दे दिया है। तो बाकी सारे फार्मूलाज में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, सिर्फ फर्स्ट फार्मूला है जो कि करेक्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको सेंट्रल मोमेंट्स और रॉ मोमेंट्स दो तरीके के मोमेंट्स के बारे में पूछा होगा। तो सेंट्रल मोमेंट को हम म्यू आर से डिनोट करते हैं और जो रॉ मोमेंट होती है ना, हम उसे हम म्यू आर और डैश लगा देते हैं। तो वो म्यू आर डैश अगर होगा तो यानी कि वो रॉ मोमेंट है। ओके, यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला पूछी थी तो हमने उसकी फॉर्मूला बताई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। स्पेशलाइज्ड एवरेजेस को और हम क्या बोल सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मोमेंट्स। मोमेंट्स को हम स्पेशलाइज्ड एवरेज बोलते हैं। ये एक तरह के एवरेज ही होते हैं, बस हम कुछ इसे स्पेशल तरीके से निकालते हैं और इनकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके बारे में हम उनके मीन वेरियंसेस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये मोमेंट्स को अगर आप स्टडी करो ना पूरा, तो आप जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के आप मीन वेरियंस मोमेंट्स की मदद से आसानी से निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, when the moments are obtained by taking deviation from arbitrary point A, they are known as dash. यहाँ पे क्या बोला कि moments को हमने कैसे निकाला है? By taking deviation from arbitrary point A. जब हम moments निकालते हैं, normally अगर मैं mu r की बात करूँ central moment की, तो उसमें हम summation लेते हैं और माइनस करते हैं बीच में कुछ, एक्स माइनस एक्स बार करते हैं और डिवाइड बाय एन करते हैं। यहाँ पे मेनली हम एक्स को एक्स बार के साथ में माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि अगर उस डिविएशन में हम किसी आर्बिटरी पॉइंट ए से माइनस करें, यानी कि ये एक्स बार की जगह पे समेशन एक्स माइनस ए की जगह ए से अगर हम माइनस करें, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो ये आपकी बन जाती है रॉ मोमेंट। ओके, सेंट्रल मोमेंट में हम एक्स बार से माइनस करते हैं और जबकि रॉ मोमेंट में हम कोई भी एक पॉइंट आर्बिटरी पॉइंट ए से माइनस करते हैं। यही फर्क होता है सेंट्रल और रॉ मोमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉ मोमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, देखो सेंट्रल मोमेंट आप म्यू आर से डिनोट करते हो, सो अगर आर आपका वन है तो म्यू वन बन जाता है, आर अगर आपका टू है तो म्यू टू, आर थ्री है तो म्यू थ्री, आर फोर है तो म्यू फोर। तो ये आपके चार आप मोमेंट्स पढ़े हो इस चैप्टर में। अब इसमें से बोला है कि सेकेंड जो सेंट्रल मोमेंट है इसे आप क्या कह सकते हो? तो ये आपका वेरियांस होता है फ्रेंड्स। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट को आप वेरियांस भी कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो रॉ मोमेंट्स होते हैं हमारे पास, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश एंड म्यू फोर डैश, इसमें से जो फर्स्ट रॉ मोमेंट होती है ना, इसे आप मीन भी कह सकते हो। ये बहुत
आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बी कॉम लेवल में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट को हम वेरियांस बोलते हैं और फर्स्ट रॉ मोमेंट को आप मेन कह सकते हैं। और एक और चीज़ कि जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होती है इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही होगी, ऑलवेज। कभी भी ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, मैंने यहाँ नहीं डाला है लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये आपको पूछे कि द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, याद रखना। तो आपको कैलकुलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जीरो आप आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम द पॉइंट थ्री आर रिस्पेक्टिवली 2, 16 and 16, फाइंड मीन एंड वेरियंस फ्रॉम इट। क्या दिया हमें यहाँ पे, एक पॉइंट थ्री दे दिया, यानी कि ये आपका ए की वैल्यू हो गई, आर्बिट्री पॉइंट ए दे दिया है, और उस ए पॉइंट से हमने थ्री मोमेंट्स फाइंड किए हैं। पहले तीन मोमेंट्स है 2, 16 and 16, तो ये पॉइंट हमने थ्री पॉइंट से फाइंड किया है, ये मीन नहीं है, इसका मतलब कि ये रॉ मोमेंट्स की वैल्यू दी हुई है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ये रॉ मोमेंट्स है या फिर सेंट्रल मोमेंट्स है। तो ये रॉ मोमेंट्स की वैल्यूज दी हुई थी, सो म्यू वन डैश की वैल्यू है 2, म्यू टू डैश की वैल्यू है 16, म्यू थ्री डैश की वैल्यू है 60। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन और वेरियंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके चैप्टर में आपको मीन की एक फॉर्मूला दी हुई है, म्यू वन डैश प्लस ए। ये म्यू वन डैश आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2, और ये 3 वाला पॉइंट जो है जिसे हमने ए डिफाइन किया है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका मीन जो है वो 5 आ जाएगा। तो मीन की वैल्यू तो 5 है, यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन है अभी जिसमें 5 है, तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर हम वेरियंस की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरियंस की फॉर्मूला होती है, वेरियंस को अभी हमने पढ़ा था कि इसको म्यू टू बोला जाता है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट ही हमारा वेरियंस होता है, और म्यू टू के लिए आपको एक फॉर्मूला दी हुई है। देखो फ्रेंड्स, सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है, अगर आपको रॉ मोमेंट्स की वैल्यूज पता है तो उनकी मदद से आप सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यूज निकाल सकते हो, उसकी फॉर्मूला सबकी बुक में दी हुई है ऑलरेडी। तो म्यू टू जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है उसकी फॉर्मूला है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, इन दो रॉ मोमेंट्स की मदद से आप सेकेंड सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हो आराम से। ओके, तो म्यू टू डैश क्वेश्चन में दिया हुआ है 16, और म्यू वन डैश की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, 16 माइनस 4 आंसर आएगा 12। सो ओके, ये वाला करेक्ट आंसर है जिसमें हमने 5 और 12 वेरियंस भी 12 आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो अभी तक, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टू मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फॉर द ऑब्जर्वेशंस 2, 3, 5, 6, 8 and 12। ओके, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टू मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब होता है, ओरिजिन यानी जीरो, तो यानी कि ये भी एक ए की वैल्यू दे दी है आपको। ओके, तो ए की वैल्यू जीरो दी है और उस पे से आपको मोमेंट्स फाइंड करना है, तो यानी कि फिर से आपको रॉ मोमेंट्स फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। सेंट्रल मोमेंट में हमेशा याद रखना कि मीन से आप माइनस करते हो, कोई पॉइंट ए की वैल्यू कुछ भी नहीं दी होती है क्वेश्चन में वहाँ पे, और अगर रॉ मोमेंट्स फाइंड करना है तो ए की वैल्यू ऑलवेज दी भी रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें फर्स्ट टू मोमेंट्स फाइंड करना है, तो मैं कॉलम बना देती हूँ, एक्स की कॉलम 2, 3, 5, 6, 8 and 12, फिर एक्स माइनस ए, ए हमारा यहाँ पे ज़ीरो है, तो एक्स पहले 2 माइनस ज़ीरो करेंगे, तो 2, 3 माइनस ज़ीरो 3, एज इट इज ही आएगी सारी वैल्यूज, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आ जाएगा 36। ओके, और साथ में हमें सेकेंड मोमेंट भी फाइंड करना है, तो उसके लिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर भी कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 9, 25, 36, 64, 144, इस कॉलम का टोटल आ जाएगा 282। ओके, अब म्यू वन डैश के लिए, रॉ मोमेंट्स है तो म्यू वन डैश का यूज़ करेंगे, समेशन एक्स माइनस ए अपॉन एन, तो समेशन एक्स माइनस ए की कॉलम का समेशन 36 आया हमारे पास,
सो 36 डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। और म्यू टू डैश समेशन एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन, सो ये स्क्वायर वाली जो कॉलम हमने निकाली इसका समेशन 282 अपॉन 6, इसका आंसर आएगा 47। तो 6 और 47 जहाँ पे भी हो आंसर में, 6 एंड 47 यहाँ पे है। देखो 47 और 6 पे मत करना क्योंकि ये उल्टा देती है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ओके यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट यानी कि म्यू वन की वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइसन हो, हाइपरजोमेट्रिक हो, नॉर्मल हो, दूसरे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के आपको नाम पता हो, उन सब के पहला जो सेंट्रल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो ही होगी। ओके नेक्स्ट, द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज टू फाइंड द डैश ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जो पहले चार सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करने के लिए मदद करते हैं, तो इसका स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जो पहले चार मोमेंट्स होते हैं म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर, उनसे आप स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों फाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस का आइडिया दे देती हूँ ताकि अगर उनके रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू आपको पूछा जाए तो आप आराम से बता सकें। स्क्यूनेस यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, राइटली स्क्यूड है या फिर लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है या फिर दोनों साइड पे बराबर है, नॉर्मल कर्व है। अगर राइटली स्क्यूड होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, मतलब राइट साइड पे एलोंगेटेड होगा वो। अगर लेफ्ट साइड पे होगा मतलब कि नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो लेफ्ट टेल पे, लेफ्ट टेल जो होगी उसकी लंबी होगी और फिर कुछ इस तरह का वो कर्व दिखेगा। और अगर नॉर्मल कर्व होगा वो यानी कि सिमेट्रिक होगा तो उसका कर्व दोनों साइड पे इक्वल रहेगा, इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, इसे नेगेटिवली स्क्यूड और इसे बोलते हैं जीरो स्क्यूनेस। इसमें स्क्यूनेस बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप इसे कह सकते हैं सिमेट्रिकल। ओके तो ये तीन तरह के स्क्यूनेस होती है, तो वो चार सेंट्रल मोमेंट से आपको स्क्यूनेस का पता लग जाएगा। और कर्टोसिस यानी कि ये जो कर्व बना है ये कर्व कितना बड़ा बना है, यानी कि ये कर्व जो है ऐसा लंबा बना है, ऐसा नॉर्मल बना है या फिर छोटा बना है, ये इनसे कर्टोसिस से ये चीज़ पता चल जाती है। ओके तो अगर ये लंबा होगा तो इसे लेप्टोकर्टिक बोलेंगे, अगर ये नॉर्मल वाला होगा तो इसे मेसोकर्टिक बोलेंगे और अगर ये शॉर्टर वाला होगा तो इसे प्लेटिकर्टिक बोलेंगे, PLATY और कर्टिक। ओके ये तीन तरह के स्क्यूनेस और कर्टोसिस से आपको ये चीज पता चल जाती है। ओके फ्रेंड्स सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इनकी फॉर्मूलाज जो होती है स्क्यूनेस ऑफ कर्टोसिस की वो भी अगर आप देखना चाहें तो स्क्यूनेस बीटा वन से डिनोट किया जाता है और कर्टोसिस बीटा टू से किया जाता है। तो बीटा वन की फॉर्मूला होती है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब और बीटा टू की फॉर्मूला होती है म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। तो इनसे आपको पता चल जाता है कि बीटा वन से स्क्यूनेस पता चलती है और बीटा टू से कर्टोसिस पता चलता है। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो स्क्यूनेस और कर्टोसिस का ही क्वेश्चन है। इफ गामा वन इज इक्वल टू 1 एंड बीटा टू इज इक्वल टू 16 एंड वेरियंस इज इक्वल टू 36 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू थ्री एंड म्यू फोर। सो गामा वन और बीटा टू की वैल्यू दी हुई है। ओके गामा वन क्या होता है, गामा वन यानी कि जो अभी हमने पीछे बीटा वन देखा था स्क्यूनेस, बीटा वन का जब आप रूट निकालोगे तो उसे गामा वन कहते हैं। ओके और बीटा वन की फॉर्मूला क्या होती है, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब, इसकी वैल्यू दे दी आपको 1, गामा वन की वैल्यू 1 दी है क्वेश्चन में। ओके और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है
बीटा टू, बीटा टू कैसे कैलकुलेट होता है, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है 16 और वेरियांस की वैल्यू 36। वेरियांस यानी कि वेरियांस को आप म्यू टू से डिनोट करते हो ना, हमने भी पढ़ा था, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज वेरियांस। तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में म्यू टू दिया हुआ है दोनों के, उनकी वैल्यू दी हुई आपको 36, तो आप इससे गामा वन और सॉरी आप म्यू थ्री और म्यू फोर की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो आराम से। ओके सो हम कैसे करेंगे इसे यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना भूल गई, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू पूरी वन है, तो अगर इसके स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा म्यू थ्री स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा म्यू टू का क्यूब, और वन का भी स्क्वायर करोगे तो वापस वन ही आने वाला है। सो इससे हम कह सकते हैं कि म्यू थ्री तो हमें फाइंड करना है और म्यू टू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 36, तो 36 का क्यूब म्यू टू का क्यूब है इज इक्वल टू वन। सो म्यू थ्री स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 का क्यूब करोगे तो उसका आंसर आएगा 4 6 5 6 इज इक्वल टू वन। तो म्यू थ्री की वैल्यू, म्यू थ्री स्क्वायर की वैल्यू 4 6 6 5 6 होगी, तो म्यू थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे आएगा 216। सो म्यू थ्री की वैल्यू तो 216 आ रही है। यहाँ पे हमारे पास दो दो ऑप्शन हैं 216 के, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि म्यू फोर क्या आ रहा है। नाउ हमारे पास ये वाला एक इक्वेशन है, मैं इसे यहाँ लिखती हूँ थोड़ा, कि म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। म्यू फोर हमें नहीं दिया हुआ है, म्यू टू की वैल्यू 36 दी हुई है क्वेश्चन में, वेरियांस है वो, 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो म्यू फोर इज इक्वल टू 16 और ये 36 का स्क्वायर करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो इसका आंसर आएगा 1296, 36 के स्क्वायर का आंसर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 20736। म्यू फोर की वैल्यू आ रही है 20736। अब ध्यान से देखो 20736 ये वाला है, सो 216 एंड 20736 ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरियंस फॉर द ऑब्जर्वेशंस 3 6 7 एंड 9। हमें ये चार ऑब्जर्वेशन दिए, इसके लिए हमें वेरियंस फाइंड करना है। वेरियंस यानी कि सेकेंड सेंट्रल मोमेंट म्यू टू, ये बार बार रिपीट हो रहा है, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि म्यू टू हमारा वेरियंस होता है। सो हमें कॉलम बनानी पड़ेगी एक्स की, 3 6 7 9, आपको ऐसा कोई सम आ जाए ना तो बहुत ही उसे स्पीड में सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स, तभी आपका एमसीक्यू का पेपर जो वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा ना, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, समेशन एक्स अपॉन एन, तो एक्स का टोटल यहाँ पे 25 आ रहा है, सो 25 डिवाइड बाई टोटल चार ऑब्जर्वेशन ही आपके पास, सो इसका आंसर आएगा 6.25। तो अब x माइनस एक्स बार कर लेते हैं, x बार की वैल्यू 6.25 है, तो 3 माइनस 6.25 माइनस 3.25, 6 माइनस 6.25 माइनस 0.25, यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे 2.75। और वेरियांस के लिए हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है तो हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सो इन सब का आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आएंगे 10.5625, 0.0625, 0.5625 एंड 7.5625। इस कॉलम का टोटल करेंगे तो आएगा 18.75। अब म्यू टू की फॉर्मूला होती है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो 18.75 डिवाइड बाय 4 करोगे 4.69। तो यहाँ पे 4.69 ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मोमेंट्स चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके एमसीक्यू यहाँ से चालू होंगे।
अभी तक आपको वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट MCQ, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कैन बी डन इन, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कैसे हम कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो पहला पार्ट होता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का एस्टिमेशन, और दूसरा जो उसका पार्ट होता है वो होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि एस्टिमेशन के बाद होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैन बी, स्टैटिस्टिकल जो हाइपोथेसिस हम डिफाइन करते हैं सम के स्टार्टिंग में एकदम, तो वो कौन सी हो सकती है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, नल हाइपोथेसिस भी होती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होती है, तो ये करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल एस्टिमेट इज कॉल्ड डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल एस्टिमेट इज कॉल्ड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड एरर। अब ये होता क्या है एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर, वो मैं आपको बताती हूँ कि सपोज फ्रेंड्स हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में से हम अलग अलग सैंपल्स अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं। सपोज मेरे पास 100 यूनिट की अगर पॉपुलेशन है तो मैं 100 में से कोई भी 10 यूनिट का सैंपल निकाल सकती हूँ। हो सकता है मैं पहले 10 का सैंपल लूँ, हो सकता है मैं दूसरे 10 का लूँ, हो सकता है लास्ट 10 का लूँ, या फिर हो सकता है कि मैं बीच में से कोई भी 10 उठा के उसका सैंपल बना लूँ। तो सैंपल आपके पास बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं एक पॉपुलेशन में से। तो उन सभी अलग अलग सैंपल्स के अगर हम मीन निकालें, सपोज उन सभी सैंपल का मैं मीन निकालती हूँ, तो वो मीन जो होंगे ना इतने सारे सैंपल्स के मीन, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो सैंपल अलग अलग सैंपल से हमने मीन निकाला है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब अगर उन मीन का, जितने भी हमारे पास मीन की अलग अलग वैल्यूज आई है सभी सैंपल की, उन मीन का अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूँ ये पता करने के लिए कि भाई वो मीन आपस में एक दूसरे से कितने दूर है, उनका अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालती हूँ तो उसे मैं बोलूँगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ओके, उसी तरह से जितने भी मैंने सैंपल्स बनाए थे उन सभी का अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूँ, और फिर उस स्टैंडर्ड डिविएशन का भी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूँ, समझो स्टैंडर्ड डिविएशन का भी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूँ, तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो ये जो स्टैंडर्ड एरर होता है ना, ये एक्चुअली अलग अलग सैंपल्स, ये जो हमारा सैंपल, बहुत सारे सैंपल होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन में से हम निकालते हैं उसे हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू, इट इज, जब हाइपोथेसिस सही होते हुए भी रिजेक्ट हो रही है, इट इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू, तो ये टाइप वन एरर कहलाता है। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है, और हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो टाइप्स की एरर होती है फ्रेंड्स, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। ये 3 और 4 तो कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपको ऐसे ही दिए ऑप्शन में। टाइप वन एरर यानी कि जब सही है हाइपोथेसिस और फिर भी रिजेक्ट हो गई। टाइप टू एरर यानी कि हाइपोथेसिस गलत थी लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे कोई प्रोडक्ट गलत हो लेकिन फिर भी उसे अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो टाइप टू एरर होता है, और टाइप टू एरर ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि टाइप वन एरर एक बार के लिए हम चला लेंगे कि प्रोडक्ट सही था, उसके बाद भी अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो ज़्यादा सीरियस होता है। तो टाइप टू एरर ज़्यादा सीरियस होती है, ये क्वेश्चन भी अगर आपको पूछे तो आपको आना चाहिए। ओके, टाइप टू एरर इज मोर सीरियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आपके इस चैप्टर में जो टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो चैप्टर है, इसमें दो टाइप के टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है और दूसरा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल्स दिया हुआ है, एट्रीब्यूट की जगह पे वेरिएबल्स दिया हुआ है। एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको 3
टेस्ट दिए हुए हैं, वेरिएबल्स के अंदर आपको 4 टेस्ट दिए हुए हैं, तो टोटल 7 टेस्ट आपको बुक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिक एट्रीब्यूट्स का टेस्ट है। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ ये याद दिलाने के लिए किया है कि नंबर ऑफ सक्सेस भी एट्रीब्यूट का होता है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस भी एट्रीब्यूट का होता है, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन भी एट्रीब्यूट का होता है। बाकी जो टेस्ट है वो आपके वेरिएबल्स के टेस्ट है, उनके भी मैं नाम बता देती हूँ। एक तो सैम्पल मीन का टेस्ट है पहला, यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पल मीन, फिर डिफरेंस बिटवीन टू मीन, फिर डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये 4 जो टेस्ट होंगे वो आपके वेरिएबल्स के टेस्ट होंगे। तो अगर उनकी भी लिस्ट आपको पूछी जाए एमसीक्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल के टेस्ट है, कौन से एट्रीब्यूट के टेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड हेड्स इज रिसीव्ड 280 टाइम्स, इज द कॉइन अनबायस्ड। देखो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्लियरली नहीं बोला कि आपको कौन सा टेस्ट यहाँ पे लगाना है, लेकिन हम वो भी पता लगा लेंगे कैसे करते हैं। ये कॉइन को हमने 1000 टाइम्स टेस्ट किया, यानी कि एन जो है वो आपका 1000 है, और उसमें से हेड्स हमें 280 टाइम्स मिला है, यानी कि सक्सेस हमें, अगर हम हेड्स को सक्सेस मानते हैं तो सक्सेस हमें 280 टाइम्स मिला है। और हमें पता है कि कॉइन में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हम कह सकते हैं ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। ओके, तो पी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि इज द कॉइन अनबायस्ड, क्या कॉइन अनबायस्ड है, यानी कि कॉइन क्या भेदभाव कर रहा है हेड और टेल आने में। तो हम हमारा जो एच नॉट लिखेंगे ना, उसमें यही लिखेंगे द कॉइन इज अनबायस्ड। आपको एमसीक्यू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट हमें ये चेक करना है कॉइन अनबायस्ड है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एक बार ये डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि एच नॉट हमें क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। और अल्टरनेटिव में हम लिखेंगे, जिसे हम एच वन से डिनोट करते हैं, द कॉइन इज बायस्ड, उसमें हम लिखेंगे कि यस कॉइन बायसनेस करता है। ओके, अब ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ना, वो नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कि आपका एट्रीब्यूट्स में जो पहला टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, उसका क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी हुई है, उसके नंबर ऑफ सक्सेस की वैल्यू दी हुई है, और प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस हमने खुद निकाला है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में प्रपोर्शन जैसा वर्ड या रेशियो जैसा वर्ड, परसेंटेज जैसा वर्ड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये सीधा सीधा एक नंबर ऑफ सक्सेस का क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले आपको ये तीनों वैल्यूज तो हमने डिफाइन कर दिए है, हम एनपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स जो है वो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, एनपी हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, यानी कि 1000 में से कितनी बार हेड आना चाहिए था, तो एन इंटू पी 500 टाइम्स हेड आना चाहिए था। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके, एंड दिस इज एक्चुअल। सो डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस क्या आया, सो एक्स माइनस एन पी, और इसे मॉड्यूलस में रखेंगे, 280 माइनस 500 220 आएगा, माइनस में नहीं लिखना है इसे। ओके, एंड स्टैंडर्ड एरर, उसकी फॉर्मूला है एन पी क्यू अंडररूट, सो 1000 इंटू पी हमारा हाफ है, तो क्यू भी हाफ हो जाएगा, 1 माइनस पी करेंगे तो आ जाएगा, सो 250 का स्क्वायर रूट 15.811। ओके, सो जेड की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, 220 अपॉन 15.811, तो इसका आंसर आएगा 13.91 के अराउंड कुछ आएगा आंसर। सो अब जेड की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, जेड की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करना है, यहाँ पे हमारी जेड की वैल्यू 13.91 इज ग्रेटर देन 1.96, तो हमारा एच नॉट जो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर जेड की वैल्यू 1.96 से छोटी होती या फिर 1.96 तक
और 1.96 तक होती ना तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते, लेकिन 1.96 से ज़्यादा है यानी कि एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। तो एच नॉट हमने क्या लिया था, द कॉइन इज अनबायस्ड, ये लाइन रिजेक्ट हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई, ये जो कॉइन है वो बायस्ड है, यानी कि यहाँ पे ये लाइन कॉइन इज बायस्ड, इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था इज द कॉइन अनबायस्ड, तो क्या आंसर आएगा, नो द कॉइन इज नॉट अनबायस्ड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नो। नेक्स्ट, इफ द सैंपल प्रपोर्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज 400 इज पी इज इक्वल टू 0.5, फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। देखो सैंपल प्रपोर्शन की वैल्यू दी हुई है पी की वैल्यू, सैंपल प्रपोर्शन यानी पी की वैल्यू 0.5 दी हुई है और सैंपल साइज दिया हुआ है 400, तो हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट्स के टेस्ट में सेकेंड मैथड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस उसका क्वेश्चन है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही सैंपल दिया हुआ है तो सिर्फ प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस लेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन वाला नहीं ले सकते, दो सैंपल नहीं है क्वेश्चन में। सो इसका स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, तो इसकी फॉर्मूला होती है पी क्यू अपॉन एन अंडर रूट में। सो पी की वैल्यू 0.5 है तो क्यू की भी वैल्यू 0.5 ही हो जाएगी, है ना, 1 माइनस पी करेंगे तो, और एन की वैल्यू 400 तो इसे आप सॉल्व करो 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 400 एंड देन इसका रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 0.025। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 0.025 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो चैप्टर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाला, इसको आपको अगर डिटेल में सीखना है, ये आपके मेनली लार्ज सैंपल टेस्ट है आपके चैप्टर में, ओके तो इसे आपको अगर डिटेल में सीखना है कि कैसे सम्स इसके सॉल्व होते हैं और कौन से टाइम पे आपको कौन सी टेस्ट अप्लाई करनी है, तो इनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है इस चैप्टर की, तो आप वहाँ जाके एक एक वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कब कौन सी टेस्ट अप्लाई करनी है। ओके सो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैंडम सैंपल ऑफ 729 पेयर्स हैज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.25, फाइंड इट्स स्टैंडर्ड एरर। देखो फिर से क्या बोला है कि सैंपल ऑफ 729 पेयर्स, यानी कि सैंपल साइज दी हुई है एन और उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया है 0.25। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू है 0.25, तो उसका हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो ये कौन सी मेथड हुई, ये आपके वेरिएबल्स जो टेस्ट होते हैं ना उसके फोर्थ मेथड है ये, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली मेथड, उसकी उसका हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो आपको बेसिकली आपको सभी की फॉर्मूलाज तो याद होनी चाहिए, इसमें कोई भी टेस्ट का कुछ भी पूछ लेंगे, तो उसका स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला होती है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो 1 माइनस आर की वैल्यू 0.25 है तो 0.25 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 729, सो 1 माइनस 0.0625 अपॉन 729 का रूट आएगा 27। सो इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.0347 के अराउंड कुछ आएगा आपका आंसर, तो इसके स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई 0.0347, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं। ओके बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आपको वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज 900 पर्संस आर 40 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ये रहा मीन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन और ये सैंपल साइज दी हुई है 900। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन इस मेथड की आपको कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करनी है, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। तो पॉपुलेशन मीन मीन यानी कि आपको जो टेस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स है आपके उसमें जो पहली मेथड है आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ सैंपल मीन,
उसमें जो आपको कॉन्फिडेंस लिमिट की फॉर्मूला दी है वो आपको यूज़ करनी है. पॉपुलेशन मीन जो दिया हुआ है उससे आपको पता चलता है ये चीज़. ओके सो उसकी फॉर्मूला होती है एक्स बार प्लस माइनस, अब यहाँ पे 95% बोला है तो उसके लिए हम 1.96 का यूज़ करेंगे. ठीक है, 1.96 स्टैंडर्ड एरर. ये कब आपको कौन सा नंबर यहाँ पे यूज़ करना है, 95% के लिए हमने 1.96 यूज़ किया, 99% होगा तो हम 2.58 यूज़ करेंगे, 99.73 होगा तो हम 3 यूज़ करेंगे. कब कौन सा नंबर यूज़ करना है ये जो है मैंने आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जो मैंने नोट्स आपको बोले थे कि मैं नोट्स देने वाली हूँ उसमें मैंने ये चीज़ शो की है फ्रेंड्स, तो आपको वो बेसिकली लर्न करना पड़ेगा. ओके सो एक्स बार आपको क्वेश्चन में दे दिया है 40 है, ये एक्स बार की वैल्यू मीन आपको 40 दी है. ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन दी है लेकिन हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू, तो आपको इस मेथड की जो स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला है वो लगा के स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना पड़ेगा. क्या होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन. तो सिग्मा, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में फाइव दिया हुआ है, सो फाइव अपॉन अंडर रूट 900, 5/30, तो आंसर आएगा 0.167 स्टैंडर्ड एरर की ये वैल्यू आई है अभी तक तो. ओके तो यहाँ पे एक्स बार 40 प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर क्या था हमारा 0.167. ओके सो 40 प्लस और माइनस इन दोनों को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 0.33. अब 40 में आपको एक बार 0.33 माइनस करना है और एक बार ऐड करना है क्योंकि बीच में प्लस और माइनस दोनों है. माइनस करोगे तो आपको लोअर लिमिट मिलेगी एंड प्लस करोगे तो अपर लिमिट मिल जाएगी. ओके सो माइनस करोगे तो आंसर आएगा 39.67 और प्लस करेंगे तो आएगा 40.33. तो ये आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट हुई फॉर 95%. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है. अ पैरामीटर कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट. पैरामीटर बोला है कि फिक्स होता है और कांस्टेंट होता है, और दूसरा बोला है कि स्टेटिस्टिक कैन नॉट वेराई फ्रॉम वन सैम्पल टू अनदर. स्टेटिस्टिक के बारे में बोल रहे हैं फ्रेंड्स. बेसिकली मैं आपको पैरामीटर और स्टेटिस्टिक के बारे में एक आइडिया दे देती हूँ ये दोनों क्या होते हैं. अगर हम पॉपुलेशन की कोई भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सपोज कि मैंने पॉपुलेशन का मीन फाइंड किया या पॉपुलेशन का वेरियंस फाइंड किया, पॉपुलेशन का मैं कुछ भी फाइंड कर रही हूँ तो उसे मैं पैरामीटर बोलूँगी. ओके और अगर मैं सैंपल के लिए कुछ भी फाइंड कर रही हूँ, जैसे मैंने सैंपल का मीन फाइंड किया, सैंपल का वेरियंस फाइंड किया, तो उसे हम स्टेटिस्टिक बोलेंगे. ओके ये किसके लिए यूज़ होता है, पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए, स्टेटिस्टिक सैंपल के लिए यूज़ होता है. अब यहाँ पे बोले कि पैरामीटर की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है और कांस्टेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पैरामीटर अगर आप पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर रहे हो तो पॉपुलेशन का मीन फिक्स्ड ही रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है. और स्टेटिस्टिक कैन नॉट वेराई फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर. दूसरा यहाँ पे बोले कि स्टेटिस्टिक एक सैंपल से दूसरे सैंपल में की वजह से उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो ये गलत स्टेटमेंट है. एक्चुअली जब आप सैंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जांपल दिया था कि 100 यूनिट में से अगर मैं 10 यूनिट का मुझे सैंपल लेना है तो मैं कोई भी 10 ले सकती हूँ, अलग अलग सैंपल मेरे बन सकते हैं 10-10 यूनिट के, तो उन सभी सैंपल के स्टेटिस्टिक की वैल्यू तो अलग अलग ही होगी ना, सेम तो नहीं होने वाली है. तो यहाँ पे बोला है कि सेम यहाँ पे वेराई नहीं कर सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट. ओके नेक्स्ट, द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन हैविंग स्टैंडर्ड डिविएशन 2.61 सेंटीमीटर. स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी हुई है और ये 3.4 किसकी दी हुई है, मीन की. स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मीन इज 3.4 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू बीच में डाल दी थी. इफ़ द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन आर 3.232, 3.57, ये 95% कॉन्फिडेंस लिमिट दी हुई है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सैम्पल साइज एन, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके हम लिख देते हैं एक जगह पे जो जो दिया हुआ है, पहले मीन दिया हुआ है एक्स बार 3.4
फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है यानी कि सिग्मा की वैल्यू 2.61, और फिर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट दी हुई है फॉर पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन यानी कि ये वाली फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, एक्स बार प्लस और माइनस, यहाँ पे हम पहले प्लस करके अगर लिखेंगे, देखो 95% बोला तो फिर से 1.96 का यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू अपर लिमिट दी हुई है आपको और लोअर लिमिट भी दी हुई है। अपर लिमिट है 3.57 और लोअर लिमिट है 3.23। तो अब इनकी मदद से आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचोगे कि इसमें एन कहाँ यूज़ हो रहा है, तो हमने भी किया था फ्रेंड्स के स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा अपॉन रूट एन होती है। ओके, और स्टैंडर्ड एरर हमें अभी तक पता नहीं कि क्या है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, बस हमें सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और हमें ये भी फाइंड करना है, एन ही फाइंड करना है एक्चुअली। पहले हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या करेंगे, देखो ये आपका पहला स्टेटमेंट है जो आपको अपर लिमिट दी हुई है और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम माइनस कर दें आपस में तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बार प्लस एक्स बार और माइनस एक्स बार कैंसिल हो जाएगा। 1.96 प्लस में है और यहाँ पे माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स स्टैंडर्ड एरर और फिर वापस माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को आपको प्लस करना रहेगा, 1.96 प्लस 1.96, आंसर आएगा 3.92 स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 3.57 माइनस 3.23, इसका आंसर आएगा 0.34। ओके, तो 3.92 स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 0.34, तो स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा, 0.34 डिवाइड बाय 3.92 जीरो, तो आंसर आ जाएगा 0.0867। ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आई है। अब हमें एन फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला में रखेंगे 0.0867 इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2.61 अपॉन अंडर रूट एन। सो ये अंडर रूट एन को यहाँ पे हम भेज देते हैं और ये जो 0.0867 है इसे हम यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तो अंडर रूट एन 2.61 अपॉन 0.0867, इसका आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा कुछ 30 पॉइंट आपको करके कुछ मिलेगा 00 ऐसा, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 30 से ले सकते हो। तो अगर अंडर रूट एन आपका 30 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एन की वैल्यू 900 है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी 900, 30 मत कर देना, वो अंडर रूट एन था। ओके, 900 इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द स्टैंडर्ड एरर। तो द स्टैंडर्ड एरर हमें सारे के करके रीड करने पड़ेंगे। द स्टैंडर्ड एरर मेजर्स रफली द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में डिफरेंस फाइंड करते हैं, एवरेज डिफरेंस फाइंड करते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्टैंडर्ड एरर इज द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्टैटिस्टिक। ये भी करेक्ट है, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, तो ये भी करेक्ट है। स्टैंडर्ड एरर कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर, ये भी करेक्ट है। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, नेगेटिव नंबर में कभी भी नहीं जाता है ये। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेस एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेस, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है। देखो स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे जैसे हमारी सैंपल साइज इंक्रीज होगी ना स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता जाएगा, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे कह रहे हैं स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हो रहा है अगर सैंपल साइज इंक्रीज हो रही, तो ये गलत है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, टेस्टिंग एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 25 अगेंस्ट एच वन म्यू इज नॉट इक्वल टू 20 लीड्स टू, यहाँ पे एक जगह 25 दी एक जगह, ओके इसे भी 25 कर दो या फिर यहाँ पे 20 कर दो,
मिस्टेक है क्वेश्चन में. ओके हमें बोला है कि ये किस टाइप की हाइपोथेसिस है. हमें नंबर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ बोला है कि ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस है या राइट टेल्ड है या लेफ्ट टेल्ड है या फिर नन, इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस ये शो कर रहे हैं. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टू टेल्ड. क्यों टू टेल्ड फ्रेंड्स? बिकॉज आपको H1 जो होगी ना आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको चेक करना है कि नॉट इक्वल टू की साइन यूज़ हो रही है, ग्रेटर देन की हो रही है या लेस देन की साइन यूज़ हो रही है. एच नॉट में तो हमेशा इक्वल टू की साइन ही यूज़ होगी. ओके बट H1 में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इन तीनों में से कोई भी साइन यूज़ हो सकती है. तो अगर ये नॉट इक्वल टू की साइन है यानी कि हमें पता नहीं है, हमसे बोल रहे कि 25 के इक्वल नहीं है लेकिन हमें पता नहीं कि ज़्यादा है या कम है, तो ये टू टेल्ड हो गया. हम दो तरफ की बातें कर रहे हैं. हमें सिर्फ ये नहीं पता है कि कौन 25 नहीं है, हमें सिर्फ यही पता है 25 से कम है या ज़्यादा है वो हमें नहीं पता. तो नॉट इक्वल टू रहेगा तो टू साइडेड, अगर ग्रेटर देन साइन रहेगी तो राइट टेल्ड, लेस देन की साइन रहेगी तो लेफ्ट टेल्ड. तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू की थी इसलिए टू टेल्ड. अगर आपको दूसरा इसको अगर दूसरे तरीके से पूछे, यहाँ पे साइन अगर चेंज कर दे तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा इनमें से. ओके क्वेश्चन में आपको कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट द हाइपोथेसिस म्यू लेस देन इक्वल टू 10 इज अ डैश. ये किस टाइप की हाइपोथेसिस है? सिंपल, कंपोजिट, नल या फिर नन ऑफ द अबव. देखो ये नल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन होती है, नल में हमेशा इक्वल टू की साइन यूज होती है. तो ये सिंपल है और कंपोजिट में से कोई होगी. एक्चुअली ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है. सिंपल हाइपोथेसिस फ्रेंड्स जस्ट एक स्टेटमेंट दे देती है, मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देती है. अगर ये बोला होता कि म्यू की वैल्यू 10 है इज इक्वल टू वो साइन यूज होती तब हम कहते कि ये सिंपल हाइपोथेसिस है. कंपोजिट हाइपोथेसिस में उस ग्रेटर देन लेस देन ऐसे साइंस यूज किए जाते हैं. तो ये एक्चुअली कंपोजिट हाइपोथेसिस है. ओके नेक्स्ट द डिवाइडिंग पॉइंट वेयर बिटवीन द रीजन वेयर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड द रीजन वेयर इट इज नॉट रिजेक्टेड इज सेड टू बी. यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ तो आपको कुछ समझ आएगा. एक्चुअली आपके ग्राफ में दो टाइप के रीजन होते हैं फ्रेंड्स. एक तो एक्सेप्टेंस रीजन होता है और एक रिजेक्शन रीजन होता है. ओके तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है ऐसा एरिया, और ऐसा रीजन जहाँ पे वो रिजेक्ट नहीं हो रही है यानी कि एक्सेप्ट हो रही है. एक्सेप्टेंस का रीजन और रिजेक्शन का रीजन में से कौन सा पॉइंट उन दोनों रीजन को डिवाइड करता है, उस डिवाइडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं जो इन दोनों रीजन को आपस में डिवाइड करता है. तो इस डिवाइडिंग पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे. ओके ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के रीजन को डिवाइड कर देता है आपस में. मतलब कि उस पॉइंट से अगर कम की वैल्यू होगी तो वह एक्सेप्टेंस वाले रीजन में होगा, उस पॉइंट से अगर ज़्यादा की वैल्यू होगी तो वह रिजेक्शन के रीजन में होगा. दूसरा एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रिजेक्शन रीजन होता है ना इसे आप क्रिटिकल रीजन भी बोलते हो. ओके अगर आपको रीजन के बारे में क्वेश्चन में पूछे कि रिजेक्शन रीजन को क्या बोलते हैं तो वो क्रिटिकल रीजन होगा उसका आंसर. लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट के बारे में पूछा था इसलिए इसका आंसर है क्रिटिकल पॉइंट. सो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सेकेंड जो चैप्टर था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस उसके सारे MCQ कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स. इसके और भी बहुत सारे MCQ निकल रहे थे लेकिन मैंने सारे नहीं बनाए हैं. मैंने आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो इनके कुछ नोट्स दिए हैं जिनसे आप और भी अगर कुछ भी डेफिनेशन या जो टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहे ना वो सारे उनके डेफिनेशंस मैंने एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने प्रोवाइड की है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके. ओके यहाँ पे ये चैप्टर के MCQ हम ख़त्म कर रहे हैं. अब जो लास्ट चैप्टर है हमारा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग उसके MCQ हम स्टार्ट करेंगे. ओके सो स्टार्टिंग विथ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग उसका पहला MCQ है क्वालिटी कंट्रोल कैन बी. क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो सकती है? प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, बोथ एंड बी और नन. इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ एंड बी. क्वालिटी कंट्रोल आप प्रोडक्ट कंट्रोल में भी हो सकता है, प्रोसेस कंट्रोल भी हो सकता है. इसका क्या मतलब होता है? जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आपका प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके लिए हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो रहा है, प्रोसेस के टाइम पे हो रहा है तो प्रोसेस कंट्रोल. और ऐसे मेथड्स, ऐसा कंट्रोल जो कि हम प्रोडक्ट बनने के बाद कर रहे हैं
प्रोडक्ट बनने के बाद उसको मार्केट में भेजने से पहले उसके कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो उसे प्रोडक्ट कंट्रोल बोलते हैं। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो दोनों हो सकती है, प्रोडक्ट कंट्रोल भी हो सकती है, प्रोसेस कंट्रोल भी हो सकती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ लॉट ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंस्पेक्शन इज नोन एज, इसका आंसर आएगा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन के बेसिस में अगर हम लॉट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो डिसीजन लेते हैं उसे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बोलते हैं। मैं इसका आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ये चैप्टर किस बारे में होता है। एक्चुअली जब मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट को बनाता है तो वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं भेजता, वो एक लॉट में भेजता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को साथ में लॉट में बना के भेजता है। तो अब अगर उसे अपने मार्केट में भेजना है और उसको गारंटी देनी है कि उसके लॉट में कुछ एक हद से ज़्यादा प्रोपोर्शन डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं है, तो उसके लिए उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है पहले। ओके, तो वो पूरे लॉट को तो टेस्टिंग नहीं कर सकते, एक एक यूनिट को तो वो नहीं देख पाएगा, तो वो क्या करता है एक सैंपल निकालता है, उसमें सैंपल के बेसिस पे सैंपल में वो चेक करते हैं कि कितने डिफेक्टिव निकल रहे हैं। ओके, सो उस सैंपल के बेसिस पे अगर हम पूरे लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, तो इसे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके नाउ, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो में डाउट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द लॉट बेस्ड ऑन टू सैम्पल्स। टू सैम्पल्स के बेसिस पे अगर हम लॉट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं तो उससे क्या बोलते हैं, उसे डबल सैम्पलिंग प्लान बोलते हैं। अगर हम एक सैंपल के बेसिस पे ही डिसीजन ले रहे हैं तो उसे सिंगल सैम्पलिंग प्लान बोलेंगे, अगर दो दो सैंपल्स को हम चेक करके फिर करें तो उसे डबल सैम्पलिंग प्लान बोलेंगे, और अगर दो से ज़्यादा कर रहे हैं तो उसे मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान बोलते हैं या फिर सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान बोलते हैं। ओके, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से भी अगर आपको कुछ एमसीक्यू पूछे तो आपको आना चाहिए। मैंने सबका एमसीक्यू इंक्लूड नहीं किया है, एक डाला और बाकी के आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको अगर उन पॉइंट्स में से भी अगर कुछ एमसीक्यू बने, क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उसका आंसर दे पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोड्यूसर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये चार ऐसे ऑप्शन डाल दिए हैं। एक्चुअली सारे स्टेटमेंट सही हैं, हम वन बाय वन करके देख लेंगे इनको, लेकिन सबसे पहले प्रोड्यूसर रिस्क होता क्या है। प्रोड्यूसर रिस्क यानी कि आपका लॉट जो है वो सही है, आपका जो लॉट है वो गुड है, उसमें अच्छे यूनिट्स हैं, या फिर वो एक्सेप्ट करने लायक है, लेकिन फिर भी अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग दैट लॉट, अ गुड लॉट, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। एक्चुअली वो प्रोड्यूसर का रिस्क ही होगा ना, अगर उसका लॉट अच्छा हुआ लेकिन फिर भी अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो प्रोड्यूसर का रिस्क है, तो उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ओके, प्रोड्यूसर रिस्क अल्फा से डिनोट होता है, और इसे आप 1 - PA ऐसे फाइंड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, और 1 में से माइनस करेंगे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ गुड लॉट वही होता है हमारा प्रोड्यूसर रिस्क। सो 1 - α, 1 - PA, ये अल्फा की फॉर्मूला होती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्टिंग अ गुड लॉट, सॉरी, रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ये करेक्ट है। दूसरी, प्रोबेबिलिटी लॉट इज रिजेक्टेड गिवन द लॉट इज गुड, लॉट अच्छा था लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। लॉट इज रिजेक्टेड लॉट इज ऑफ AQL लेवल, ये भी करेक्ट है। लॉट इज रिजेक्टेड प्रपोर्शन डिफेक्टिव इज P1 और लेस, ये भी करेक्ट है। AQL यानी कि एवरेज क्वालिटी लेवल, AQL लेवल, और दूसरा एक आपको क्वेश्चन चैप्टर में एक और आपने सुना होगा LTPD लेवल। AQL लेवल और LTPD के कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि मिल्क मैन है, वो मिल्क बेच रहा है, तो अगर आप उसके पास मिल्क लेने जाते हो और उसने आपको ये बोला कि आपका उसका जो मिल्क है वो 1 डे पुराना है, 1 दिन पुराना है, तो आप उसको खरीद सकते हो। ओके, क्योंकि आपको पता है कि वो अभी भी
ओके, मतलब ओके लेवल का है, सही लेवल का है, अभी भी खराब नहीं हुआ है वो। अगर रोज आप उसको फ्रेश दूध, फ्रेश मिल्क लेते हो उसके पास से, लेकिन अगर आपको एक दिन पुराना भी मिल जाएगा तो आप उसे चला लोगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूएल लेवल। एक्यूएल लेवल यानी कि ऐसा लेवल जिस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी भी एक्सेप्ट हो सकता है, प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे उस लेवल पे, वो आपका एक्यूएल लेवल होता है। और एलटीपीडी यानी कि ऐसा लेवल जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करोगे, यानी कि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। जैसे कि अगर वो मिल्क, वो बोले मिल्कमैन बोले कि वो मिल्क जो है वो 4 डेज ओल्ड है, तो उससे आपको पता है कि आप उस मिल्क का कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको उसे फेंकना ही पड़ेगा, तो आप उसे नहीं लोगे, तो वो एलटीपीडी लेवल का होगा। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्यूएल लेवल का था यानी कि डिजायरेबल लेवल का था, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट किया, तो ये भी करेक्ट है। और प्रपोर्शन P1 प्रपोर्शन डिफेक्टिव आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर उससे कम डिफेक्टिव का आपका लॉट है और फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सारे ही सारे प्रोड्यूसर रिस्क है। ओके, इसी तरह से मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंज्यूमर रिस्क के बारे में बोला है, इसमें भी सारे ऑप्शन करेक्ट ही है, जस्ट फॉर योर, आपको इनमें से कोई भी एक अगर स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कंज्यूमर रिस्क को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और कंज्यूमर रिस्क इसका प्रोड्यूसर रिस्क का जस्ट उल्टा। अब ये कंज्यूमर के रिस्क है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट, लॉट खराब था, बैड क्वालिटी का था, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये कंज्यूमर के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कंज्यूमर रिस्क। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग है, इसलिए हम इसे PA से डिनोट करेंगे। ओके, तो इसकी फॉर्मूला बीटा, इसको बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसकी फॉर्मूला थी PA। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बस हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे बीटा आएगा, अल्फा की जगह पे मैंने इसे चेंज नहीं किया, ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड क्वालिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ बैड क्वालिटी, ये करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी लॉट इज एक्सेप्टेड गिवन लॉट इज बैड, खराब होते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये भी करेक्ट है, यही होता है बेटा। देन लॉट इज एक्सेप्टेड गिवन लॉट इज ऑफ एलटीपीडी लेवल, देखो यहाँ पे एलटीपीडी लेवल यानी कि खराब लेवल का था, फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये भी करेक्ट है। लॉट इज एक्सेप्टेड गिवन प्रपोर्शन डिफेक्टिव इज P2 और मोर, यानी प्रपोर्शन डिफेक्टिव P2 जो दिया हुआ था उससे ज़्यादा है हमारे डिफेक्टिव यूनिट्स, और फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये भी करेक्ट है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में आपको AQL दिया हुआ रहे तो आपको कंपलसरी जो प्रोड्यूसर रिस्क होगा ना वही फाइंड करना रहेगा। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन में LTPD दिया हुआ रहे तो आपको कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है। तो अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ हो कि क्या फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्लान विच गिव्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज डैश प्लान, ऐसा प्लान जो प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को दोनों बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर, उसे गुड प्लान बोलते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई रेस टू -1 इज इक्वल टू 0.368, LTPD इज 2%, फाइंड द कंज्यूमर रिस्क इन द प्लान दिस। ओके, यहाँ पे एक सिंगल सैम्पलिंग प्लान दिया हुआ है। सिंगल सैम्पलिंग क्यों है, क्योंकि 3 ही पैरामीटर्स है यहाँ पे। अब उसके लिए हमें कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है। LTPD दे दिया क्वेश्चन में, ई रेस टू -1 की वैल्यू दी है, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम काम आएगी। सो पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ बता देती हूँ, ये भी MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ डाला नहीं है उसका MCQ। सिंगल सैम्पलिंग प्लान SSP, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, कैपिटल N, फिर स्मॉल N, फिर C, यानी कि ये पॉपुलेशन यूनिट्स हैं, ये उस पॉपुलेशन में से हमने कितना सैंपल लिया है वो यूनिट्स है, और C जो है वो एक्सेप्टेंस नंबर है, यानी कि सैंपल में कितने डिफेक्टिव चलेंगे। अगर ये C2 है तो यानी कि सैंपल में अगर 2 यूनिट अगर डिफेक्टिव होंगे ना तब तक चलेगा, 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये एक एक्सेप्टेंस नंबर है फॉर डिफेक्टिव्स। ओके, उसी तरह से डबल सैम्पलिंग प्लान जो होते हैं उसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, कैपिटल N, फिर N1,
एन टू, सी वन एंड सी टू, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है एन वन और सी वन पहले साथ में लिखे और फिर एन टू या सी टू इसे साथ में लिखे। तो ये पॉपुलेशन, ये फर्स्ट सैम्पल साइज, ये सेकेंड सैम्पल साइज, ये फर्स्ट एक्सेप्टेंस नंबर, ये सेकेंड एक्सेप्टेंस नंबर, इस तरह से। यहाँ पे सिंगल सैम्पलिंग प्लान दिया हुआ है। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाए ना आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो इसमें पता होना चाहिए कि सिंगल सैम्पलिंग में 3 पैरामीटर्स होते हैं, डबल सैम्पलिंग में 5 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है फॉर दिस प्लान। तो यहाँ पे कैपिटल एन क्या होगा 2000, स्मॉल एन होगा 50 और सी की वैल्यू होगी 1। और ये एलटीपीडी दिया हुआ है, यानी कि ये प्रोपोर्शन डिफेक्टिव जो होता है ना पी डैश, वो दिया हुआ है 2%। 2% को आप 0.02 ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड बाई 100 करोगे तो आ जाएगा। ओके, इसके लिए हमें कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है। कंज्यूमर रिस्क यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फाइंड करना है, पी ए, जिसे हम बीटा बोलते हैं। ओके, तो ये पी ए फाइंड करने के लिए इसकी फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि जो डिफेक्टिव है वो आपका सी या उससे कम होना चाहिए। सी हमारा 1 है, तो एक यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट हम चला लेंगे हमारे सैंपल में, एक से ज़्यादा अगर हुआ तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो डी जो है वो 1 से कम कम होना चाहिए, तो 1 से कम होना चाहिए यानी कि अगर 0 होगा तो भी चलेगा और अगर 1 होगा तो भी चलेगा, 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो हमें यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। एम क्या होता है, मीन होता है, मीन की फॉर्मूला होती है एन इंटू पी। तो यहाँ पे हम पहले मीन फाइंड कर लेते हैं एम, एन हमारा 50 है और पी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2%, तो 50 का 2% होता है 1, तो एम की वैल्यू 1 है। तो अब इसे अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पी रेस टू माइनस 1, 1 रेस टू एक्स, एक्स पहले हमारा 0 है, 0 फैक्टोरियल, प्लस करके अब हम एक्स की जगह 1 रखेंगे, ई रेस टू माइनस 1, 1 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे मीन आपका 1 ही आएगा, वो आपको पहले से पता चल जाएगा। यहाँ पे ई रेस टू माइनस 1 बचेगा, 1 रेस टू 0 की वैल्यू 1 होगी, एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये 0 नहीं होता, ऐसा मत सोचना कि इसका आंसर नॉन डिफाइंड आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ई रेस टू माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिर्फ ई रेस टू माइनस 1 ही बचेगा। सो 2 इंटू ई रेस टू माइनस 1, सो 2 इंटू 0.368, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.736। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ही आया, हमें वही फाइंड करना था। तो 0.736 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If AQL is equal to 0.01 and LTPD is 0.07, AQL और LTPD देखो दोनों दे दिए क्वेश्चन में, ये भी पी डैश है और ये भी पी डैश है, दो है, इसीलिए हम 1 और 2 से डिनोट कर देते हैं। ओके, फॉर अ सैम्पलिंग प्लान, ये सैम्पलिंग प्लान दिया हुआ है, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन और ये सॉरी सी की वैल्यू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करना है और ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू दे दी। प्रोड्यूसर रिस्क यानी कि अल्फा, अल्फा होता है 1 माइनस पी ए। ओके, तो आपको पहले पी ए फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर रिस्क के लिए हम ए क्यू एल की वैल्यू जो है उसे लेंगे। यहाँ पे एल टी पी डी सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया था क्वेश्चन में। ओके, अगर यहाँ पे कंज्यूमर रिस्क पूछा जाता तो हम एल टी पी डी का यूज़ करते, ए क्यू एल को यूज़ नहीं करते उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमें ए क्यू एल का यूज़ करना है, यानी कि हम इसको हम हमारा पी डैश मानेंगे। सो कैपिटल एन 1000 दिया हुआ है, स्मॉल एन 100 दिया हुआ है और सी जो है वो 2 दिया हुआ है। पी डैश की वैल्यू हम 0.01 को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हमें मीन फाइंड कर लेना है,
एन इंटू पी 100 इंटू 0.01, तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी हमारा जो डिफेक्टिव यूनिट्स है डी जो है वो लेस देन सी से कम कम होने चाहिए, या सी तक होगा तो चलेगा, तो यानी कि डी जो है वो 2 से कम कम होने चाहिए। तो 2 या 2 से कम यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 डिफेक्टिव होंगे तो भी चलेगा, 1 डिफेक्टिव होगा तो भी चलेगा, 2 डिफेक्टिव होंगे तब तक चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 है तब तक हम उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो 0+1+2 तक ले रहे हैं हम। तो अब वापस से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, e^-m m^(x)/x^। तो e^-1 होगा, m हमारा 1 आया था, इंटू 1^0/0 प्लस e^-1 1^1/1 प्लस e^-1 इंटू 1^2/2। यहाँ पे सिर्फ e^-1 बचेगा, यहाँ पे भी e^-1 बचेगा, यहाँ पे e^-1/2 बचेगा, 2 factorial की वैल्यू 2 होगी। ओके, सो 0.368 + 0.368 + 0.368/2, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो और फिर जो भी आंसर आएगा उन तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर दो, तो आपका आ जाएगा आंसर 0.92। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आया है और आपको फाइंड करना है 1-PA, यानी कि 1-0.92 करेंगे तो आंसर आएगा 0.08। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आई है 0.08, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, सिर्फ ये फाइंड करके रुक मत जाना, आपको आगे वो भी करना था, याद रखना है आपको चीज़। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी सम समझ आया होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया ना प्रोबेबिलिटी का, इसके जगह पे अगर आपको टेबल दी हुई जाती है एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्टली टेबल में से भी वैल्यूज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे आपका m की वैल्यू 1 आई है और c की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये 1 और जो आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होगी 2 और 1 की जहाँ पे भी वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही हो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 0.92 ही आएगा, ठीक है, और वो क्यूमुलेटिव दिया हुआ रहता है, यानी कि अगर आप 2 के लिए देख रहे हो तो 2 में ऑलरेडी वो 0 और 1 का भी ऐड करके ही देंगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो 0.92 एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी, और फिर आप डायरेक्टली उसको 1 में से माइनस करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा टेबल अगर आप यूज़ करते हो तो। तो अगर आपको टेबल यूज़ करना नहीं आता तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, ये वापस सिंगल सैम्पलिंग प्लान दिया हुआ है, पी डैश की वैल्यू 10% दी हुई है, यानी कि प्रोपोर्शन डिफेक्टिव 10%, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन बाय हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन फाइंड करना है, यानी कि 1-PA। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, 1-PA ही होगा। सो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अभी जो हम कर रहे थे वो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक के बारे में कुछ बता सकूँ, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ईजी कर सकूँ आपके लिए, सिर्फ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। कैपिटल एन 30 दिया हुआ है, स्मॉल एन 3 दिया हुआ है और सी जो है वो 0 दिया हुआ है, पी डैश की वैल्यू 10% दी हुई है, यानी कि इसे आप डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.1 आ जाएगा। ओके, तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। हाइपर ज्योमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है एन पी डैश सी डी इंटू एन माइनस एन पी डैश सी एन माइनस डी अपॉन एन सी एन। ये फॉर्मूला आपको मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहती हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन हमारे पास टोटल 30 यूनिट्स हैं, एन पॉपुलेशन है, एन में से हम मान रहे हैं
एन पी डैश जो है वो हमारे डिफेक्टिव है, यानी कि पॉपुलेशन में हमारे पास एन पी डैश डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। तो नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स क्या हो जाएंगे, टोटल में से अगर हम डिफेक्टिव को माइनस कर देंगे तो नॉन डिफेक्टिव यूनिट बचेंगे। एन में से एन पी डैश डिफेक्टिव थे, एन माइनस एन पी डैश नॉन डिफेक्टिव थे। अब इस एन में से हमने एक सैम्पल लिया स्मॉल एन का, इस स्मॉल एन में भी हम डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की कैटेगरी डाल रहे हैं। स्मॉल एन में से जो डिफेक्टिव होंगे उसे हम डी बोलेंगे, तो जो नॉन डिफेक्टिव होंगे वो एन माइनस डी हो जाएंगे। सिंपल, बस ये वाला अगर आपको चार्ट समझ आ गया ना, तो अब आप इसके कॉम्बिनेशन बना लो, एन पी डैश सी डी पहला, एन माइनस एन पी डैश सी एन माइनस डी दूसरा, और नीचे डिनोमिनेटर में एन सी एन बीच वाला। ये चीज़ फॉर्मूला आपको इजीली याद रह सके उसके लिए चार्ट मैंने आपको ये समझाया है। तो आप इस चार्ट की मदद से, आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रखना चाहो ना तो आप नहीं रखोगे एग्ज़ाम में, आप डायरेक्टली ये फॉर्म चार्ट बना के फिर फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। ठीक है, अब हम फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पी ए फाइंड करना है, पी ए होता है डी की जो डिफेक्टिव वैल्यू हमारी सी से कम या उस इक्वल तक होगी तो चलेगा। तो डिफेक्टिव जो हमारा सी ज़ीरो है यहाँ पे, तो ज़ीरो या उससे कम होनी चाहिए, ज़ीरो या उससे कम यानी कि ज़ीरो होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ज़ीरो से कम नहीं, ज़ीरो से कम तो होता ही नहीं कुछ, तो ज़ीरो होनी चाहिए यानी कि डी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हमें एन पी डैश भी फाइंड करना पड़ेगा। एन पी डैश 30 इंटू पी डैश हमारा 10% है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। सो एन पी डैश यानी कि 3 सी 0, डी की जगह हम 0 रखेंगे, इंटू एन माइनस एन पी डैश 30 माइनस 3 सी, सैम्पल हमारा 3 का था उसमें से डिफेक्टिव 0 है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में। ओके, 30 सी 3, सो 3 सी 0 की वैल्यू आएगी 1, 30 माइनस 3 होगा 27 सी 3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 30 सी 3, तो 27 सी 3 की वैल्यू आएगी 2925, और 30 सी 3 की वैल्यू आएगी 4060। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.72। तो 0.72 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आया है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। सो 1 माइनस 0.72 करेंगे तो आंसर आएगा 0.28। ओके, तो ये रिजेक्शन फाइंड करना था, 0.28 डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये मेथड्स कैसे लग रही है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज़ नॉट यूज्ड व्हेन, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को हम कब यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि सैम्पलिंग जो हम, मैंने आपको एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मीनिंग बताया था स्टार्टिंग में, तो उसे हम कब यूज़ नहीं करेंगे, कब हम सैम्पल नहीं निकालेंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन है द टेस्ट इज़ डिस्ट्रक्टिव, द टेस्ट इज़ डिस्ट्रक्टिव का कहने का मतलब है कि अगर हम यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा जो यूनिट है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा है, उसका अब कोई यूज़ नहीं बचेगा। जैसे कि लाइट होती, लाइट बल्ब होता है, अगर आप लाइट बल्ब को टेस्ट करने जाओगे तो वो तो वहीं ख़राब हो जाएगा, एक बार आपने उसको टेस्ट कर लिया, आपने उसको यूज़ कर लिया कि वो कितने टाइम तक चल रहा है, तो वो तो वहीं पर उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसको वापस से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट डिस्ट्रक्टिव है यानी कि प्रोडक्ट को टेस्ट करने से प्रोडक्ट ही खराब ख़त्म हो जा रहा है पूरा। तो अगर ऐसा हमारा प्रोडक्ट होगा तो उसमें हम 100% इंस्पेक्शन तो नहीं कर सकते, हमें सैंपल लेना ही पड़ेगा, उस केस में एक्सेप्टेंस सैंपलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑप्शन गलत है। कॉस्ट ऑफ 100% इंस्पेक्शन इज़ क्वाइट हाई, ये भी गलत है। अगर हमारा 100% इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम वैसा इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, हम सैंपल ही लेंगे, तो ये भी गलत है। हमें बोला कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग कभी यूज़ नहीं होता है, इन दोनों केसेस में एक्सेप्टेंस सैंपलिंग यूज़ होंगे। सप्लायर प्रोसेस कैपेबिलिटी इज़ वेरी हाई, ये करेक्ट आंसर है। ऑल दो द सप्लायर प्रोसेस इज सेटिस्फैक्ट्री बट अ प्रोग्राम इज़ नीडेड फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, यानी कि सप्लायर का प्रोसेस ओके है, अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन फिर भी उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तब हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। हमें पूछा कब नहीं करना है, तो ये वाला सही है कि जब
उसकी प्रोसेस कैपेबिलिटी अच्छी है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, और उसके बाद भी अगर हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसकी कोई नीड नहीं होती, तो ये वाला सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सैम्पल कैन बी जज्ड। अब यहाँ पे आपके जो चार टाइप के कर्व दिए हुए हैं आपको इसमें एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में, ओसी कर्व, एटीआई कर्व, एएसएन कर्व और एओक्यू कर्व, उन चारों के लिए एमसीक्यू बनाया मैंने। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सैम्पलिंग, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्लान कैन बी जज्ड बाय। अगर हमें किसी भी प्लान की परफॉर्मेंस को चेक करना है कि वो प्लान कितना अच्छा है, तो वो हम ओसी कर्व से कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व मेनली परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पे प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, एक्स एक्सिस पे प्रोपोर्शन डिफेक्टिव को मार्क करते हैं, और यहाँ पे हम उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी को मार्क करते हैं, यानी कि कितने प्रोपोर्शन डिफेक्टिव पे उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे जैसे प्रोपोर्शन डिफेक्टिव बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, इस तरह से ये कर्व जाएगा। तो ये ओसी कर्व करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द एवरेज टोटल इंस्पेक्शन फॉर डबल सैम्पलिंग प्लान कैन बी गिवन एज एटीआई। एवरेज टोटल इंस्पेक्शन यानी कि एटीआई फॉर डबल सैम्पलिंग प्लान। डबल सैम्पलिंग प्लान के लिए एटीआई की फॉर्मूला आपको पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। एवरेज टोटल इंस्पेक्शन यानी कि आपको ऑन एन एवरेज कितने टोटल यूनिट्स को आपको इंस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर जब आप लॉट को हम चेक करते हैं, उसमें से सैम्पल हम निकालते हैं, सैम्पल के बेसिस में हम लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर लॉट एक्सेप्ट हो गया तो जो हमने सिर्फ जो सैम्पल चेक किया था उतना ही हमें करना पड़ेगा चेकिंग, उसके अलावा हमें कुछ भी इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लॉट को रिजेक्ट हो जाता है उस सैम्पल के बेसिस पे, तो हमें वो डायरेक्टली लॉट को ऐसा नहीं कि फेंक दिया जाता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है ना, तो उसके एक एक यूनिट को फिर से चेक किया जाता है, एक ही उन सभी यूनिट्स में से फिर जो भी डिफेक्टिव यूनिट निकलते हैं ना, उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर उस लॉट को हम वापस से मार्केट में भेजते हैं। ओके, इस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसमें हमें इंस्पेक्शन तो करना ही पड़ता है, अगर लॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी। तो ऑन एन एवरेज हमें टोटल इंस्पेक्शन कितना करना पड़ता है कोई भी प्लान के लिए, और यहाँ पे डबल सैम्पलिंग प्लान के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। देखो ए फॉर्मूला में क्या है, एन वन पी ए वन, एन वन प्लस एन टू पी ए टू और प्लस एन इंटू वन माइनस पी ए। यानी कि अगर हम पहले सैंपल के बेसिस पे, मैं आपको फॉर्मूला अगर आपको समझनी है ना तो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले सैंपल अगर डबल सैम्पलिंग प्लान में हम दो सैंपल्स लेते हैं, आपको पता है, तो पहला सैंपल तो हमें चेक करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो उसका तो हमें इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, अगर वो पहले सैंपल के बेसिस पे ही एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि पी ए वन के बेसिस पे ही वो अगर एक्सेप्ट हो रहा है, तो हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर पहले सैंपल के बेसिस पे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अगर हमें दूसरा सैंपल लेना पड़ रहा है, तो एन वन प्लस एन टू हमें दो सैंपल को करना पड़ेगा, और फिर दूसरे में जाके हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, इसीलिए उसको पी ए टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा बोल रहा है कि अगर वो रिजेक्ट हो गया, यानी कि वन माइनस पी ए, पहले सैंपल में भी एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे सैंपल के बेस पे भी एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि वो रिजेक्ट हो गया अगर वन माइनस पी ए, तो हमें पूरा का पूरा जो वो लॉट था उसे फिर से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन। तीनों पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए तीनों के बीच में प्लस के साइन डाल दिए। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को, तो ये तो आंसर करेक्ट है एटीआई का, पहली जो फॉर्मूला है, लेकिन अब अगर इसको आप थोड़ा सा आप एक्सपांड करोगे ना, तो एन वन पी ए वन प्लस, इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो एन वन पी ए टू प्लस एन टू पी ए टू प्लस एन इंटू वन माइनस पी ए, सिर्फ इस ब्रैकेट को हमने ऐसे एक्सपांड किया है। तो अब इसमें से एन वन, एन वन कॉमन निकाल लेते हैं, ये जो पहले दो टर्म है, सो एन वन कॉमन निकाला, पी ए वन प्लस पी ए टू प्लस ये बाकी के सब एज इट इज लिख देते हैं। तो पी ए वन और पी ए टू मिला के टोटल पी ए हो जाएगा, तो एन वन इंटू पी ए प्लस एन टू इंटू पी ए टू प्लस कैपिटल एन इंटू वन माइनस पी ए। तो ये वाली जो है ये सेकेंड फार्मूला है, तो ये दोनों फार्मूलाज करेक्ट है आपकी यहाँ पे ए टी आई की। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं
एमसीक्यूज सारे एंड कर रही हूँ यहाँ पे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम नोट्स देख लेते हैं कुछ जो मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पे मोमेंट्स चैप्टर के नोट्स मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसके जितने एमसीक्यू टोटल हो पा रहे थे पॉसिबल मैंने आपको निकाल के दिए हैं। बाकी जो दो चैप्टर हैं उनके मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ सेकेंड और थर्ड चैप्टर के। तो पहला हम सेकेंड चैप्टर का देख रहे हैं। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अनोन पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक इज नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की डेफिनेशन दी हुई है कि सैम्पल के बेसिस पे, सैम्पल स्टैटिस्टिक के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं। ओके, सैम्पल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन, जैसे सैम्पल के मीन के बेसिस पे हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कैन बी डन इन टू वेज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दो पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन की डेफिनेशन दी, एस्टिमेशन यानी कि द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ये मेन की वर्ड्स है इसके कुछ, एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स यानी कि एस्टिमेशन। फिर दूसरा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की भी डेफिनेशन दी है। ये क्या होता है, द मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर द सैम्पल स्टैटिस्टिक इज सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर और नॉट इज नोन एज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसकी मदद से हम क्या चेक करते हैं कि वो जो सैम्पल, जैसे कि मैं मीन की बात करूँ तो सैम्पल का मीन जो है वो हमारा पॉपुलेशन मीन से इक्वल है कि नहीं है। सैम्पल स्टैटिस्टिक इज सिमिलर टू पॉपुलेशन पैरामीटर और नॉट, ये चेक करने के लिए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मेथड ऑफ टेस्टिंग द डिफरेंस इज ड्यू टू सैम्पलिंग वेरिएशन और इट इज एक्सीडेंटल, इट इज़ नोन एज टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम डिफरेंस निकालते हैं हमेशा, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये डिफरेंस, वो चेक करने के लिए हम टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस इसे हम बोलते हैं। ओके, हम एक्चुअली यही चेक कर रहे होते हैं हमारे टेस्टिंग के टाइम पे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हम हाइपोथेसिस में भी ऑलवेज यही स्टेटमेंट डालते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सैम्पल, इफ़ द सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर दैन 30 द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज नोन एज लार्ज सैम्पल टेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, लार्ज सैम्पल टेस्ट यानी कि सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 30 है, अगर लेस देन 30 हुआ तो उसे हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप फटाफट एक बार रीड करें तो आपको याद रहे सारे स्टेटमेंट्स। देर आर टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस, ये भी टाइप्स हैं, उसे भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी है। नल हाइपोथेसिस यानी कि आपने जस्ट एक स्टेटमेंट दी है पॉपुलेशन के बारे में, आप कुछ भी उसके साथ कुछ भी आप बायसनेस नहीं दिखा रहे, आपने सिर्फ एक पॉपुलेशन के लिए एक स्टेटमेंट दिया, उसे आप बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस विच इज स्टेटेड विद अ व्यू टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी, हम उसे सिर्फ चेक करने के लिए उसे वहाँ रख रहे हैं, उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज़ द हाइपोथेसिस विच इज़ एक्सेप्टेड व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी यानी कि जो पॉपुलेशन के लिए हमने स्टेटमेंट दिया वो गलत प्रूव हो गया, तो कुछ तो स्टेटमेंट होना चाहिए ना हमारे पास कि हम क्या सोच रहे हैं पॉपुलेशन कैसी है, तो वो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मे बी टू साइडेड और वन साइडेड, ये टू साइडेड वन साइडेड दोनों हो सकती है, हमने ऑलरेडी देख लिया। टू साइडेड क्या होता है, टू साइडेड यानी कि हम नॉट इक्वल टू के साइन यूज़ करते हैं H1 में, और वन साइडेड में हम या तो मोर देन की या लेस देन की साइन यूज़ करेंगे। These are both for one sided और ये जो है वो टू साइडेड है। ग्रेटर देन होती है तो राइट टेल्ड होता है, लेस देन होता है तो लेफ्ट टेल्ड होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक अजम्पशन फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, जस्ट पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए हमने एक स्पेसिफिक अजम्पशन दिया, स्पेसिफिक यानी कि हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है, जैसे कि म्यू इज इक्वल टू 25, इक्वल टू की साइन यूज़ की है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है हमने 25, ये सिंपल हाइपोथेसिस है। और वही कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है, अगर हम ये लिखे कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 25 और म्यू इज़ लेस देन 25 तो ये कॉम्पोजिट हो जाएगी। द अजम्पशन ऑफ द वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन और लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज सेड टू बी कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। ओके,
द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल एस्टिमेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. ये तो मैंने आपको समझाया था. नाउ नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी अंडर विच अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. जब हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, ये सम मैंने आपको बताया था कि इसके वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जहाँ मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इस चैप्टर का. वहाँ पे हम जब एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं तब हम इसका कुछ सिग्निफिकेंस लेवल लिखते हैं, 5% या 1%. ओके, तो ये जो होता है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं इसे. यानी कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम 5% नॉट श्योर है, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. 5% के लिए हम हमारे एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती है. 5%, 1% या 3%, ओके, ये प्रोबेबिलिटी होती है. तो द प्रोबेबिलिटी अंडर विच द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स की सारी वैल्यूज मैंने दे दी है, कौन से परसेंट के लिए आपको कौन सी वैल्यू या स्टैंडर्ड एरर के सामने लगानी है, उसके लिए मैंने आपको ये पूरा 500 वैल्यूज दे दी है. जैसे 68.27% के लिए अगर आपको बोले कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करो फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड एरर के आगे 1 लगाना है. 1 हम नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है. 95% के लिए हम 1.96 यूज़ करते हैं. 95.45 के लिए 2 लगाते हैं. 99% के लिए 2.58 और 99.73 के लिए 3. ओके, ये आपको वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग याद रखनी पड़ेगी सबके लिए. और इसमें लास्ट हमारा है कि टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस. दो टाइप की एरर होती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं. एच नॉट हमारा ट्रू होगा या फिर एच नॉट हमारा फॉल्स होगा, दो हमारे पास केसेस हैं. और उनमें हम एच नॉट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और एच नॉट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं. तो अगर एच नॉट ट्रू है, ट्रू होते हुए अगर हमने उसको एक्सेप्ट किया है, तो दैट इज़ करेक्ट डिसीजन. सो दैट इज़ करेक्ट डिसीजन. ट्रू होते हुए अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो सही है. फिर एच नॉट ट्रू है लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, सही होते हुए रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो टाइप 1 एरर होती है, बताया था मैंने आपको. फिर यहाँ पे है कि एच नॉट फॉल्स था और यहाँ पे हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर फॉल्स होते हुए उसको रिजेक्ट किया तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. और ये जो लास्ट है टाइप 2 एरर, एच नॉट हमारा फॉल्स था लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये टाइप 2 एरर होते हैं. फॉल्स होते हुए भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये गलत है, इसीलिए टाइप 2 एरर. और टाइप 2 एरर ज़्यादा सीरियस होती है. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे जो सेकेंड चैप्टर के नोट्स थे वो कंप्लीट होते हैं. अब थर्ड चैप्टर के नोट्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ. इसमें मैंने बेसिकली सिर्फ जो आपके चार तरह के कर्व है ना फ्रेंड्स, सिर्फ उनकी डेफिनेशन और उनके फॉर्मूलाज को ही मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. ओके, क्योंकि उनके सारे एमसीक्यूज मैंने नहीं डाले, मैंने सिर्फ उनके फॉर्मूलाज और एक्सप्लेनेशन दे दिया है यहाँ पे. ओसी कर्व क्या होता है, हम उससे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था. और दूसरा, इसमें कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस लिखते हैं वाई एक्सिस पे और डिफरेंट प्रोपोर्शन डिफेक्टिव लिखते हैं, पी डैश की वैल्यू एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फाइंड करते हैं, उसका कर्व बनाते हैं, उसको ओसी कर्व बोलते हैं. इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. नाउ नेक्स्ट, एएसएन कर्व. एएसएन कर्व यानी कि ऑन एन एवरेज हमें कितना सैंपल इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. इन सैम्पलिंग टाइम द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, ऑन एन एवरेज हमें कितना सैंपल करना पड़ेगा, उसे हम एएसएन बोलते हैं. तो फॉर एसएसपी इट इज एन, फॉर डीएसपी डबल सैम्पलिंग प्लान के लिए फर्स्ट सैम्पल करना पड़ेगा और दूसरा सैम्पल हमें कब करना पड़ेगा, जब हम पहले सैम्पल के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे और रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे, तब 1 माइनस पी ए 1 भी करेंगे, माइनस पी आर 1 भी करेंगे, तब हमें दूसरे सैम्पल की ज़रूरत पड़ेगी. तो एन 1 के साथ एन 2, एन 2 का एन 2 के साथ में हमें ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो इनकी फॉर्मूला लिख दी. अब ए ओ क्यू क्या होता है, ए ओ क्यू यानी कि द फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑफ आउट गोइंग लॉट. यानी कि जब हम लॉट को, अगर हम हमने लॉट को एक्सेप्ट कर लिया सैम्पल के बेसिस पे, तो फ्रेंड्स फिर भी चांसेस होते हैं कि उस एक्सेप्टेड लॉट में भी डिफेक्टिव यूनिट्स थोड़े बहुत तो रहेंगे. ओके, तो हमारे जो आउट गोइंग लॉट्स हैं, मतलब जो एक्सेप्ट हो चुके हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ प्रपोर्शन डिफेक्टिव रहता ही है. तो आउटगोइंग लॉट में कितना प्रोपोर्शन डिफेक्टिव रह सकता है ऑन एन एवरेज, उसे हम बोलते हैं ए ओ क्यू.
एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, और इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे AOQL से डिनोट करते हैं। AOQL यानी कि एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल, ओके, या फिर लिमिट भी बोल सकते हो आप इसे। इसकी फॉर्मूला फॉर SSP एंड फॉर DSP सेम है दोनों के लिए, P-PM। नाउ लास्ट इज ATI कर्व। ATI कर्व का हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इंस्पेक्टेड। ASN और ATI में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फ़र्क क्या होता है इन दोनों के बीच में। ATI में हम टोटल यूनिट्स को कितना इंस्पेक्ट करना है वो चेक करते हैं, जबकि ASN में हम सैंपल कितना हम इंस्पेक्ट करेंगे ऑन एन एवरेज उसको हम चेक कर रहे थे। दोनों में फ़र्क है, ओके। सो SSP के लिए फार्मूला और DSP के लिए फार्मूला दे दिया यहाँ पे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अपने लाइक करना इसे ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।